मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन कर देते हैं। तो ये जो हमने बेस को कॉमन कर दिया है, तो पोर्ट आउटपुट के लिए और दो पोर्ट आपके इनपुट के लिए हो जाएंगे, है ना। तो NPN ट्रांजिस्टर हमने इसमें यूज़ किया है, बेस टू इमीटर जा रहा है करंट, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर आपका इस तरह बनता है। इसका जो इधर है इमीटर है, इसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में रखते हैं, इसको हम रिवर्स बायसिंग में रखते हैं। तो हम फॉरवर्ड बायसिंग में रखेंगे इसको, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो एन है यानी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को तो हम नेगेटिव कर देंगे, और यहाँ पर पी है यानी होल है, तो इसको हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, जिससे ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। इसी तरह हम जो सी है कलेक्टर है, इसको हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम प्लस से जोड़ देंगे, जिससे ये क्या बन जाएगा, आपका रिवर्स बायसिंग बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बेस और मीटर के बीच में वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, और ये है आपका VCB। तो ये कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, आपका आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, तो रिवर्स ये फॉरवर्ड बायसिंग में इसमें करंट फ्लो होगा, तो मैक्सिमम ई करंट फ्लो होगा बेस से, जिससे कि आपके जो होल हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए बेस में आएंगे, यहाँ से इमीटर से बेस में आएंगे, बेस से आपके कलेक्टर करंट में जाएंगे, जिससे मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगेगा, जो हमने अभी पहले पढ़ा था। तो इसका जो अभिलक्षण है वो इसमें क्या करेंगे, अभिलक्षण में हम क्या देखते हैं, इनपुट। अब जो अभिलक्षण देखते हैं उसमें हम इनपुट के बारे में पढ़ते हैं, यानी इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनेगा। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो VB का मान है वो कितना रखा हमने, 0.4 रखा है। तो 0.4 से मान है, तो अब देखिए इसको उल्टा समझिए, सीधा मत समझिए, सीधा समझोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे देखो हमने VCB को जीरो है, हाँ हमें VCB को शून्य लाना है, तो यानी ये शून्य लाना है। अब इसका ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये ऋणात्मक होता है, तो यानी दो बैटरी प्लस प्लस जुड़ती है तो घटती है। अब ये घटेगी, तो अब ये शून्य है, इसका मतलब इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ IE करंट फ्लो होगा, यहाँ से जो बेस से होल हैं वो आसानी से कलेक्टर करंट पर चले जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी VB का मान जब हम मैक्सिमम बढ़ाएंगे तो हमारा पहली जो स्टेज आएगी मैक्सिमम वाली, VB जो मैक्सिमम VB है, यानी दोनों अलग अलग चिन्ह, प्लस चिन्ह है या माइनस चिन्ह, तो मैक्सिमम मान आएगा, तो काई करंट मान इस तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा, इस तरह बढ़ेगा। अब VCB ज़्यादा लाना है, तो क्या अगर हम VB को थोड़ा सा मान कम करेंगे, देखो हल्का सा मान कम किया तो VCB ज़्यादा आ गया, तो ग्राफ इस तरह बढ़ते हुए, जैसे 20 तक यहाँ आया और 30 तक यहाँ आ जाएगा, तो ग्राफ इस तरह आगे बढ़ते हुए और आगे चला जाएगा, मतलब ये मान देखो और आगे आएगा, तो इस तरह बढ़ता चला जाएगा, यूँ ग्राफ इधर आई की तरफ घूमता जाएगा, यानी जो करंट है वो इधर घूमेगा, ठीक है ना। आउटपुट अभिलक्षण में क्या देखेंगे, तो आउटपुट में आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट करंट हमारे पास IC है और वोल्टेज VCB है, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले समझिए कि ये मान यहाँ से सैचुरेशन रीजन में कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो सैचुरेशन स्टार्ट में, यानी मान लो कि आप VCB शून्य से भी कम है, यानी माइनस में आ रहा है, यहाँ से जीरो तो यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस में कैसे होगा भाई, देखो इसका मान हम ऐसे कि कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, यानी इसको मान लो चलो इसको शून्य कर दिया VCB को, तो VCB को शून्य कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। IE करंट कलेक्टर जो करंट है वो इसके रिवर्स बायसिंग में इसमें जुड़ा हुआ है, जो रिफ्लेक्शन रीजन आएगा, तो जितना उसका मान आना चाहिए, पहले हमने बताया था उस तरह इसका मान आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो VCB शून्य होने पर भी ये ऑपरेट होगा और सैचुरेशन में करंट फ्लो करेगा, इसलिए ये माइनस से पहले आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर IE करंट मान शून्य है, तो IE का मान शून्य कब होगा, यहाँ पर हमें मान शून्य लाना है, तो हमें VCB का जो मान है वो तो ज़्यादा लाना है, पर IC करंट कम होना चाहिए। तो IC करंट देखो, VCB का मान हम जैसे ही यहाँ पर ज़्यादा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर VCB का मान ज़्यादा करेंगे, तो जो आपका जो रिवर्स बायसिंग प्लस प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर रिवर्स बायसिंग के दोनों एडिट घट जाएंगे, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन रीजन वो ज़्यादा बनेगा, डिफ्लेक्शन रीजन में ज़्यादा होगा, तो IC से जो करंट जा रहा है वो बहुत कम फ्लो होगा, इसलिए IC मान यहाँ पर शून्य प्राप्त होगा। और IE करंट बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
बीसीबी को थोड़ा कम करना पड़ेगा, बीसीबी कम आएगा तो आपका एक सिचुएशन रीजन में यानी एक आईसी का एक कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ तक लाना है, तो आपका जैसे जैसे आईसी बढ़ेगी जैसे जैसे आई भी बढ़ेगी, यानी आईसी का मान जितना बढ़ जाएगा उतना ही आई का मान बढ़ता चला जाएगा। देखो आईसी बढ़ रही है तो आई भी बढ़ रही है, 1 mA, 2 mA, 3 mA, 4 होगा तो और ये आईसी बढ़ जाएगी, है ना। अब देखिए करंट एप्लीकेशन फैक्टर क्या होगा, तो देखो करंट एप्लीकेशन फैक्टर में हमेशा बेस में हम देख यूज़ करते हैं, तो इसको हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। इसमें हमने किसको कॉमन किया था, इसको हमने किसका किया था, बेस को कॉमन किया था, तो बेस करंट इसका हट जाएगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है आपका, आउटपुट करंट आई सी है और इनपुट करंट के रूप में क्या है, आई ई है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देखें एम्पलीफायर में कैसे यूज़ करते हैं, तो देखो एम्पलीफायर में बताता हूँ, ये एम्पलीफायर बना हुआ है इसका कॉमन बेस का। इससे पहले इसका रेजिस्टेंस भी पढ़ लो, देखो ये रेजिस्टेंस है, हम किस में अभिलक्षण में देख रहे हैं, ये इनपुट अभिलक्षण में देख रहे हैं, तो हम क्या होगा इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट देख रहे हैं, तो इनपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस का है ओम के नियम से आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। तो देखो ओम के इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज आपका वी बी है और है ना, और इनपुट करंट क्या है आई, तो देखिए यही फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल आई, ठीक है ना, आई ई हो जाएगा, है ना। और आउटपुट अभिलक्षण में इसका रेजिस्टेंस देखेंगे तो देखिए आपको आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, आउटपुट करंट कौन सा है, तो देखो आउटपुट वोल्टेज देखिए यहाँ पर वी सी बी है और करंट कौन सा है आई सी है, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा डेल सी बी अपॉन डेल आई सी, ठीक है ना। अब देखिए और इसको दो यूज़ किया जाता है, निर्दिष्ट धारा लाभ में भी यानी एसी में डीसी में भी और एसी में, फॉर्मूला वही रहेगा आई सी अपॉन आई आई सी अपॉन आई, ठीक है। अब इसका हम एम्पलीफायर में कैसे यूज़ करते हैं, तो एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एसी दे दिया, एसी वोल्टेज सिग्नल दे दिया, यहाँ पर हमने जो एम्पलीफायर के रूप में हमें आउटपुट के रूप में हमें एसी वोल्टेज सिग्नल प्राप्त हो गया जो एम्पलीफायर में, तो एम्पलीफाइड सर्किट जो आउटपुट सिग्नल वो अपना, तो देखिए यहाँ पर कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर पर यूज़ किया है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं यानी ई पर जो इमिटर है यहाँ पर पी होगा, कलेक्टर पर पी होगा और बेस पर एन होगा, है ना।